हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट शुभम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाली है, छोटी सी वीडियो है। आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसमें हम बात करेंगे किस प्रकार सूर्य की किरणें हमारे जो ऋतुओं को है, ऋतुओं के परिवर्तन में प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है ग्राफ की सहायता से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका बीच में क्या है, आपका सूर्य है, ये वाला सूर्य है, और यहीं पे साथ में आपकी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, एक तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है, एक अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगी 360 डिग्री घूमेगी, जो कि कितने टाइम में घूमती है वो आपकी आपको पता है, 24 घंटे में पृथ्वी क्या है, अपना एक अपने अक्ष पर पूरा अपना चक्कर पूरा करती है, जिस कारण क्या है, दिन और रात होते हैं। तो इसे हम कहेंगे, इसको आप नोट डाउन करके चलिए, इसे हम कहेंगे परिभ्रमण, परिभ्रमण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका परिभ्रमण। और इसके अलावा जो पृथ्वी आपकी घूमती है सूर्य के चारों ओर, ये जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, ठीक है, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है, ये करती है आपकी 365 दिन और 6 घंटे में, 365 दिन और 6 घंटे में आपका एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का, कौन, पृथ्वी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक वर्ष पूरा कितने समय में करती है, 365 दिन और 6 घंटे में, और यही 6 घंटे क्या है आपके, 4 साल में आपके 24 घंटे हो जाए, जिस कारण क्या है कि टोटल कितने, एक साल में कितने दिन हो जाते हैं आपके, 366 दिन हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिभ्रमण और परिक्रमण। पृथ्वी एक अपने अक्ष पर घूम रही है और एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन जब ये अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी साथ साथ घूम रही है, जिस कारण क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या है, प्रभावित कर रही है आपकी पृथ्वी को, जिस कारण की जो पृथ्वी पर है ऋतुओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो मैं आपको एक ग्लोब की सहायता से दिखाता हूँ कि किस प्रकार सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती है, ठीक है, तो आपकी जो दिन और रात वो बराबर होते हैं, और किस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो किस प्रकार अलग अलग होता है, चलिए देख लेते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी बीच में हम इसको मान लेते हैं विषुवत रेखा, इसे हम विषुवत रेखा भी कहेंगे, और अगर बात करें हम इसको जीरो डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे कहा जा सकता है, और इसे इक्वेटर और भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है। तो जब सूर्य की किरणें, मान लीजिए सूर्य यहाँ है आपका, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा ये वाली रेखा है विषुवत रेखा, जब सूर्य की ने विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है, लंबवत पड़ रही है यहाँ से, जब ये लंबवत पड़ेगी तो उस टाइम क्या होगा, जो आपका ये उत्तरी गोलार्ध है, ये विषुवत रेखा क्या है, आपकी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य की किरणें आपकी लंबवत रेखा पर पड़ रही है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन और रात बराबर हो गए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो कब होते हैं, जब सूर्य की किरणें आपकी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो आपके संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें कि कब ये आपकी जो लंबवत पड़ेगी, किस डेट को पड़ेगी, तो आप डेट भी आप लिख सकते हैं, तो किस डेट को आपकी ये किरणें लंबवत पड़ेगी, तो ये दो डेट को पड़ेगी, एक पड़ेगी आपकी 21 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्ट को आप नोट डाउन करके चलिए, 21 मार्च को आपके सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, और दूसरी कब पड़ेगी आपकी, 23 सितंबर को, राइट, ये हो गया आपका 23 सितंबर और 21 मार्च को आपकी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी विषुवत रेखा पर, जिस कारण क्या है, संपूर्ण पृथ्वी में, चाहे वो आपका उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो, उन दोनों में क्या है, दिन और रात बराबर होंगे। अब हम बात करेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब ये विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो उसमें उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, चलिए देख लेते हैं। आपका 21 मार्च की बात करें, अगर 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी इस रेखा पर, ठीक है, उस समय अगर उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को, आप भारत का एग्जाम्पल लीजिए, 21 मार्च को भारत में कौन सी ऋतु चलती है, तो उसमें होती है आपकी, भारत में कौन सी ऋतु होती है आपकी, जल्दी से याद कीजिए, कौन सी ऋतु होती है, चलिए जी मैं ही बता देता हूँ, तो आपकी भारत में होती है आपकी उस समय बसंत ऋतु,
21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी आपकी, बसंत ऋतु। उसी तरह 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होगी आपकी शरद ऋतु। तो आपने याद रखना है 21 मार्च को आपकी होगी उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और जी आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होगी आपकी शरद ऋतु। उसी तरह हम देखेंगे आपका 23 सितंबर को, क्योंकि 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को क्या है कि आपकी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जो कि आपके ऋतु परिवर्तन को प्रभावित करती है। अब 23 सितंबर को क्या है, 23 सितंबर को बिल्कुल इसका विपरीत हो जाता है। 23 सितंबर को जो आपका है उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आएगी, उत्तरी गोलार्ध में आएगी आपकी शरद ऋतु 23 सितंबर को। और जी अगर अब बात करें हम दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी 23 सितंबर को, दक्षिणी गोलार्ध में होगी आपकी बसंत ऋतु। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में आपकी होगी बसंत ऋतु। और वहीं अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होगी, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होगी बसंत ऋतु, वहीं 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में होगी आपकी शरद ऋतु। उसी तरह 23 सितंबर का ये उल्टा हो जाएगा, 23 सितंबर को आपकी जो बसंत ऋतु है वो कहाँ होगी आपकी, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगी बसंत ऋतु, और वहीं अगर बात करें हम उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध में आपकी होगी शरद ऋतु। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जो दिन और रात उस समय क्या होगा संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों तिथियों से किस प्रकार आपके जो ऋतुओं में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में परिवर्तन आता है। आई होप समझ आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके अच्छे से देखना, ठीक है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप क्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं।